अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कतर गल्फ इंफॉर्मेशन YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज की वीडियो में कतर से हम लोग बात करने वाले हैं, कतर का लेबर लॉ के बारे में। दोस्तों, कुछ लेबर लॉ अभी कतर के हुकूमत के तरफ से फिर से जारी किया गया है। तो क्या कतर का लेबर लॉ है, हम लोग यदि कंपनी छोड़ते हैं तो NOC का जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यदि हम लोग एग्जिट परमिट ले एग्जिट करना चाहते हैं तो एग्जिट करना सही होगा या नहीं होगा, सारा डिटेल इस वीडियो में साथियों बताऊंगा। तो वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको ये जान नहीं पाओगे। तो वीडियो को दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों लेबर लॉ के बारे में जान लेते हैं कि वहां की अभी मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी क्या होगी। तो भाइयों, मैं आपको बता दूं, लेबर लॉ के हिसाब से 2024 का पिछले साल का जो नियम था, यानी सैलरी के बारे में, वही नियम इस साल भी है, यानी इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया गया। जैसे कि मिनिमम बेसिक सैलरी आपकी 1000 कतरी रियाल होगी, 500 आपको दिया जाएगा साथियों एकोमेंडेशन के लिए, और 300 आपको दिया जाएगा आपको फूड के लिए, यानी कुल मिला के आपको 1800 आपको कतरी रियाल दिया जाएगा। यानी मान के चलिए दोस्तों कि यदि आपको एकोमेंडेशन कंपनी दे देती है तो आपको फिर 1300 कतरी रियाल मिलेगा। मान लीजिए आपको मतलब फूड भी कंपनी देती है तो सिर्फ आपको 1000 कतरी रियाल मिलेगा। यानी आप एकोमेंडेशन और फूड यदि दोनों चीज आप खुद से करना चाहते हो तो कुल मिला के आपको मिनिमम सैलरी आपको 1800 कतरी रियाल आपको कंपनी देगी, उससे कम आपको नहीं देगी। ये नियम 2023 में भी लागू था और इस साल भी यही नियम को रखा गया, यानी कोई बदलाव इस साल भी नहीं किया गया। तो आप लोगों के लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों, वो दोस्तों वो भी बहुत ही बड़ी खबर है साथियों, वो आ रही NOC को लेकर। तो भाइयों, बहुत सारे लोग कतर में ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि वो अपने कंपनी को चेंज करें, या फिर कंपनी को चेंज करना चाहते हैं, उनको कंपनी पसंद नहीं आ रहा है, उसको सैलरी अच्छा नहीं मिल रहा, खाना पीना अच्छा नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि कतर में कंपनी चेंज करने के लिए कंपनी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उससे पहले आपको NOC लेना पड़ता था, ये दोस्तों नियम था। पर साथियों बता दूं, इस साल से आपको किसी भी कंपनी को छोड़ने के लिए आपको NOC नहीं लेना पड़ेगा, बिना NOC के ही आप दूसरे कंपनी में ट्रांसफर ले सकोगे। पर दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं सबसे इसमें बड़ी पॉइंट क्या है कि ये नियम तो लागू कर दिया गया है, पर यदि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो ये यदि वो चाह ले तो फिर आपको कंपनी चेंज करने वो नहीं देगा। जी हां साथियों, नियम तो हुकूमत की तरफ से लागू कर दिया गया है, पर जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसके हाथ में बहुत कुछ होता है। किसी भी तरह का दोस्तों आप पे वहां पे जुर्माना लगा देगा या कोई भी चीज ऐसे दोस्तों ब्लेम कर दिया जाएगा जिसके बाद आपको ये ट्रांसफर नहीं मिल पाएगा। इसलिए भाइयों, यदि आप कतर में अभी मौजूद हो तो NOC तो आप लेने की जरूरत नहीं है, पर उसके बावजूद भी कंपनी के पास ये पावर होता है कि आपको वो दूसरे कंपनी से जाने से वो रोक सकता है। अब ये किसी भी तरह से रोका जा सकता है, कंपनी के दोस्तों ये हाथ में है। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कंपनी छोड़ना चाहते हो तो NOC निकलवाने की पूरी कोशिश करिए, और बिल्कुल सही से, कोई झगड़ा झमेला किसी से नहीं करना है आपको। जैसे तरीका होता है, प्रोसीड्यूर होता है, सबसे अच्छे से बात करके आप NOC निकाल के दूसरे कंपनी में आप ट्रांसफर ले सकते हो। तो दोस्तों, छोटी सी जानकारी थी, छोटी सी अपडेट थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।